सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व। आस्था और भक्ति से सरोबार, सांस्कृतिक विरासत है छठ। महापर्व छठ की छटा जब चारों ओर बिखरती है तो सैलाब उमड़ पड़ता है। छठी मैया का चार दिन का महापर्व छठ पूजा को लेकर रौनक देखते ही बनती है। पूरे उत्तर भारत में, खासकर बिहार और झारखंड में, छठी मैया की पूजा को लेकर गजब का उत्साह रहता है। दिवाली के बाद छठ पूजा महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वैसे तो छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पुष्टि तिथि को होती है। छठ पूजा का त्योहार देश विदेश तक मनाया जाता है। खासकर भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में महापर्व छठ की धूम देखने को मिलती है। इस पूजा में भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। छठ का त्योहार साल में दो बार मनाया जाता है, पहला चैत्र शुक्ल पुष्टि को और दूसरा कार्तिक माह की शुक्ल पुष्टि को। ये पर्व एक दिन नहीं बल्कि चार दिन का उत्सव है। छठ पूजा का महापर्व नहाय खाए से प्रारंभ होता है और प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ देकर खत्म होता है। इस पूजा के लिए तैयारी दिवाली से पहले शुरू की जाती है। ये पर्व एक दिन या दो दिन का नहीं बल्कि ये पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है, जिसमें महिलाएं अपनी संतान के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। सुख सौभाग्य समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए छठ की पूजा की जाती है। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इसके बाद खरना, अर्घ्य और पारण किया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 28 अक्टूबर यानी शुक्रवार को शुरू होगा। दिल्ली के चौथे दिन यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए की परंपरा निभाई जाएगी। इस दिन कुछ विशेष रीति रिवाजों का पालन करना होता है। छठ व्रती स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करके व्रत की शुरुआत की जाती है। व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को भक्त दिन भर उपवास करते हैं। इस दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन सुबह व्रती स्नान ध्यान करके पूरे दिन का व्रत रखते हैं। अगले दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पुष्टि तिथि को छठ की मुख्य पूजा तिथि होती है। व्रती इस दिन शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। इस दिन व्रती अपने पूरे परिवार के साथ डूबते सूरज को अर्घ्य देने घाट पर जाती है। चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले भक्त सूर्य देव के दर्शन के लिए पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। त्योहारों से जुड़ी ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।